श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के भीतर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए पुरुषों को सफेद धोती एवं स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर के भीतर कैमरे का प्रयोग वर्जित है, इसलिए जाल तंत्र यानी इंटरनेट पर मंदिर के भीतर के चित्र आज तक उपलब्ध नहीं हो सके। तो आखिर इसकी विशेषता क्या है? क्या यह मंदिर सोने का बना है? नहीं। क्या इसके अंदर कोई कीमती धातु की मूर्ति है? बेशक नहीं। तो आखिर इस मंदिर के पास ऐसा क्या है और कितनी मात्रा में है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है? इस मंदिर के पास जितनी संपत्ति है उससे भारत के सभी जिलों में एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करवाया जा सकता है। लगभग 14,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो सकता है। यदि इस खजाने के ऐतिहासिक मूल्य को भारत की जनसंख्या में बांट दिया जाए तो सबको 20,000 अवश्य प्राप्त होंगे। यह इतनी संपत्ति है जिससे स्विट्जरलैंड व सिंगापुर जैसे राष्ट्रों को भारत खरीद सकता है। तो आखिर वो खजाना है कहां? मंदिर के केंद्र में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा के ठीक नीचे बने हुए गर्भगृह में भारतीय गुप्तचर विभाग यानी आईबी के एक पूर्व अधिकारी टीबी सुंदरराज ने हाईकोर्ट में मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने हेतु एक याचिका डाली। 30 जून 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 7 लोगों की समिति ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके वहां पर उपलब्ध 7 दरवाजों का नामांकन किया, ABCDEFG। एक महीने के बाद यानी 31 जुलाई 2011 को न्यायालय ने इन दरवाजों को खोलकर संपत्ति का मूल्यांकन करने हेतु आदेश प्रेषित किया। दरवाजों को खोलने पर सोने के कई सारे आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के धागों से बुने हुए वस्त्र, 7 फुट लंबा गले का हार, कई बड़ी बोरियों में हीरे, सोने के बर्तन, बहुमूल्य रत्न, जवाहरातों से सुसज्जित मुकुट, स्वर्ण निर्मित प्रतिमाएं आदि मूल्यवान वस्तुएं पाई गई। इस पूरे खजाने में मात्र सोने का वजन 1000 किलोग्राम से अधिक मापा गया। मूल्यांकन करने पर इसका भौतिक मूल्य 1,20,000 करोड़ आका गया, परंतु ये वस्तुएं सैकड़ों वर्ष पुरानी थी, इसलिए ऐतिहासिक मूल्यांकन इसे 10 गुना अधिक माना जा सकता है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित या प्रयोग की गई वस्तुओं का मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। इन 7 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा था जिसे मात्र इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि सर्वेक्षण करने वालों को ऐसा प्रतीत हुआ कि इस दरवाजे का निर्माण बाकी के 6 दरवाजों की सुरक्षा के लिए किया गया था, क्योंकि दरवाजे के पीछे से पानी की आवाज आने का यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि इस दरवाजे को खोला गया तो संपूर्ण गर्भगृह में पानी भर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मंदिर का केंद्र जमीन में धंस सकता था एवं पूरा मंदिर टूटकर खंडहर में परिवर्तित हो जाता। इस सुरक्षा दरवाजे का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि यदि कभी कोई बाहरी व्यक्ति मंदिर पर आक्रमण करके इस खजाने को हासिल करना चाहे तब इस दरवाजे को खोलकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए जिससे यह खजाना किसी के भी हाथ न लग सके। दरवाजे को डरावना बनाने के लिए इसके ऊपर नाग की नक्काशी की गई एवं इस दरवाजे की रहस्यमयता को लेकर कई कहानियों एवं कथाओं का प्रचलन किया गया ताकि कोई भी उस दरवाजे को खोलने का प्रयास न कर सके। प्रश्न यह खड़ा होता है कि इतनी अथाह संपत्ति मंदिर के गर्भगृह में संग्रहित कैसे हुई? लगभग 400 साल पहले यानी सन 1700 में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक थे राजा मार्तंड वर्मा। उन्होंने अपनी युद्ध नीति से आसपास के कई क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यवसायिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, जहां दूर दूर से लोग आयुर्वेदिक औषधियां, स्वादिष्ट मसाले एवं सूखे मेवों को खरीदने के लिए कीमती जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। कुछ ही वर्षों में राजा मार्तंड वर्मा के पास इतनी अधिक संपत्ति इकट्ठा हो गई कि उसकी सुरक्षा के लिए उनको भय सताने लगा। एक स्वप्न में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर इसका मार्ग सुझाया। सन 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने राजा के पद से मुक्त होकर स्वयं को भगवान विष्णु का आजीवन सेवक घोषित करते हुए
पद्मनाभ मंदिर की स्थापना की नींव रखी। सबसे पहले उनके पास जितने भी संपत्तियां थी उसको जमीन के नीचे गुप्त द्वार बनवाकर एकत्रित कर दिया गया। फिर इन गुप्त तहखानों को आधार बनाते हुए इसके चारों तरफ मंदिर का निर्माण किया गया। इस गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की पद्मनाभ नामक मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई। वर्तमान में राजा मार्तंड वर्मा की 13वीं पीढ़ी इस मंदिर में सेवक के रूप में निवास करती है, किंतु अब इस खजाने के विषय में ज्ञात होने के पश्चात यहाँ की सुरक्षा एवं संचालन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। YouTube पर इस विषय में और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भ्रामक कथाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है। जाल तंत्र पर कई विश्वसनीय वेबसाइटों के अध्ययन के पश्चात प्राप्त निष्कर्ष से इस वीडियो को विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको पसंद आएगा। अंधविश्वास को फैलाना नहीं बल्कि सत्य को प्रकाशित करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट में अपने विचारों को टिप्पणी के रूप में जरूर अंकित करें।